हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय इलेक्ट्रोवर चैनल। दोस्तों, आज एक साइना एलईडी टीवी का कॉम्बो पीसीबी लेके आया हूँ। इसका मॉडल नंबर है TP.RD8503.PB816। इस पीसीबी में जो पावर सप्लाई है, इसमें प्राइमरी सेक्शन में PWM IC खराब था और PWM IC तो ऐसे मिलता नहीं है, इसलिए मैं जो 5 वायर वाला STR मॉडल है वो वाला मॉडल इसमें इंस्टॉल किया। और इंस्टॉल करने के बाद पावर सप्लाई ऑन हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया, इसमें पिक्चर उल्टा आ गया सेट में, और जो सर्विस मेनू होने से पिक्चर ठीक करने के लिए सर्विस मेनू तो ज़रूरत पड़ता है, लेकिन सर्विस मेनू को जो कोड नंबर है वो कोड नंबर पे बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। गूगल में भी ट्राई किया, यूट्यूब में भी ट्राई किया, मिला नहीं। और जो नंबर मिला उस नंबर से इस पीसीबी का सर्विस कोड ओपन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं सोचा आप लोगों के बीच में ये जो सर्विस कोड नंबर है ये शेयर करना अच्छा होगा, क्योंकि आप लोगों को भी कभी कभी ज़रूरत पड़ सकता है ये नंबर। आइए देखते हैं। इस टीवी में मेन पावर ऑन करने के बाद पावर स्टैंड बाय रिलीज करना पड़ रहा है रिमोट से। और क्या होता है, ये सब जो साइना एलईडी टीवी है इसमें अलग अलग बहुत सारा कंपनी इस मार्केट में है और बहुत सारा रिमोट भी, अलग अलग रिमोट यूज़ होता है इसमें, और इसमें रिमोट कभी ख़राब हो जाएगा तो कस्टमर के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। और जो पैनल की है वो भी कभी कभी स्विच ख़राब हो जाता है। मेरे पास जो टीवी आता है उसमें हर टीवी में मैं हो सके तो एक ही काम करता हूँ, इसमें सर्विस मेनू में जाके पावर ऑन परमानेंटली ऑन कर देता हूँ, मतलब जब टीवी मैंने पावर ऑन करेंगे साथ ही साथ ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए, मैंने सर्विस मैन में जाके कर दिया, पावर ऑन कर दिया, अभी ये टीवी अपने आप ऑन हो गया, रिमोट का यूज़ नहीं हुआ है। आइए अभी सर्विस मैन ओपन करके मिरर सेटिंग पे जाएंगे, मिरर सेटिंग ऑन ऑफ जो भी करना पड़ेगा देखेंगे एक बार। आपको मेनू भी प्रेस कर सकते हैं, इसमें सोर्स भी प्रेस कर सकते हैं। देखिए, पहले भी हम मेनू प्रेस करके देखेंगे, ये मेनू बटन है लेफ्ट साइड में। देखिए, मेनू प्रेस किया, मेनू प्रेस करने के बाद आपको प्रेस करना है 2580, सर्विस मेनू ओपन हो गया। और एक बार देखिए, एग्जिट कर दिया अभी, सोर्स 2580, सोर्स प्रेस करने से भी हो जाएगा पहले, और नहीं तो मेनू प्रेस करने से भी हो जाएगा। और मोड ऑन ऑफ के लिए पैनल सेटिंग पे आना पड़ेगा आपको, पैनल सेटिंग पे आके राइट क्लिक किया, और देखिए इसमें मिरर ऑप्शन लिखा हुआ है, मिरर मोड डिजेबल हो रहा है, एनेबल डायरेक्टली तो नहीं है, एच हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल ऑप्शन दिया हुआ है। और एक बार प्रेस करके देखते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल है सिंगल, और एक बार प्रेस करके देखेंगे, अभी देखिए वर्टिकल आ गया, मिरर मोड वर्टिकल, और एक बार किया तो डिजेबल हो गया। डिजेबल होने से हमारे लिए ये पैनल के साथ सूट हो जाता है। दोस्तों, इस पीसीबी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।